हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण मानको ओडिया बहु यूट्यूब चैनल रे स्वागत करू छी। आज रही वीडियो रे जानिबा 2022 नवंबर मास 8 तारीख मंगलवार दिन अर्थात पवित्र कार्तिक पूर्णिमा दिन वर्षर अंतिम चंद्र ग्रहण लागिबाकु जाऊ अछि। एही चंद्र ग्रहण भयंकर पुण्य चंद्र ग्रहण हेबाकु जाऊ अछि। एही चंद्र ग्रहण एक लंबा चंद्र ग्रहण हेबाकु जाऊ अछि। तेबे एही चंद्र ग्रहण ओडिशा सहित भारत रे संपूर्ण पूर्ण चंद्र ग्रहण दृश्यमान हेबाकु जाऊ अछि। एही ग्रहण अन्य देश रे मध्य दृश्यमान हेबो। ताहा हेउछि अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजिल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रे दृश्यमान हेबाकु जाऊ अछि। जेतेबेले सूर्य एवं चंद्र मध्य रे पृथ्वी आसी थाए सेतेबेले पृथ्वीर परछाई चंद्रमा उपरे पड़ी थाए ताहाकु चंद्र ग्रहण कुहा जाय थाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार चंद्र ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण माना जाय छि एवं मान्यता अनुसार चंद्र ग्रहण जेबे भी लागी थाए एहार प्रभाव देश दुनिया रे निश्चित पड़ी थाए। तेबे आज रो वीडियो माध्यम रे आज आमे जानिबा चंद्र ग्रहण रो समय सीमा, ग्रास समय, गर्भवती महिला माने कौन करिबे एवं कौन न करिबे, पाक निषेध बा सूतक समय केबे ठारु आरंभ हेबो, ग्रहण समय रे कौन करिबे आउ कौन न करिबे एवं चंद्र ग्रहण रो प्रभाव केउ राशि मानक पई अत्यंत शुभ रहिबो एवं केउ राशि मानक पई अत्यंत अशुभ रहिबो संपूर्ण विवरणी आमे एही वीडियो माध्यम रे जानिबा। सेथि पई वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। साधारणतः ग्रहण लागिबार 9 घंटा बा 3 प्रहर पूर्वरु एवं पराग लागिबार 12 घंटा बा 4 प्रहर पूर्वरु पाक निषेध बा हांडी छाड़ करा जाय थाए। एही समय सीमा को सूतक समय कुहा जाय। एही ग्रहण समय रे खाद्य ग्रहण करिबा निषेध करा जाय अछि। कारण ग्रहण बा पराग लागिबा समय रे पेट रे किछि खाद्य पदार्थ न रहिबा हि भल होइ थाए। तेणु साधारणतः चंद्र ग्रहण लागिबार 9 घंटा पूर्वरु हांडी छाड़ बा पाक त्याग करा जाय थाए। तेबे ही चंद्र ग्रहण रो सूतक समय बा पाक निषेध रो समय होउछि 8 नवंबर 2022 मंगलवार सकाळ 8:29 मिनिट थारु आरंभ हेबो एवं संध्या 6:18 मिनिट रे शेष हेबो। तेबे पंचांग अनुसारे एही चंद्र ग्रहण रो समय सीमा हेउछि बा चंद्र ग्रहण लागिबार समय सीमा हेउछि 8 नवंबर मंगलवार दिन अपराह्न 2:38 मिनिट 14 सेकंड रु चंद्र ग्रहण आरंभ हेबो। मध्यकाल हेउछि 4:28 मिनिट 12 सेकंड। सर्वमुख्य 6:18 मिनिट 47 सेकंड रे ग्रहण शेष हेबो एवं मोक्ष प्राप्ति हेबो। विशेष करी एही समय रे गर्भवती महिला मानक पई बहुत अशुभ होइथिबारु सेमानु के एही समय रे विशेष सावधान रहिबाकु पड़िबो एवं चंद्र ग्रहण देखिबाकु बारण करा जायछि। ग्रहण लागिबा समय रे गर्भवती महिला माने कोनोसी जिनिस को कटाकटी करंतु नाही बा कपडा आदि सिलै करंतु नाही। एमिति कि चाकू, छुरी इत्यादि धारुआ जिनिस भी संपूर्ण भाबरे दूरै रहंतु। नचेत एहार कुप्रभाव गर्भ रे थिबा शिशु परे सीधा सडख भाबरे पड़ी थाए। एथि सहित ग्रहण लागुथिबा समय रे कळे रंगर वस्त्र परिधान करंतु नाही एवं ग्रहण लागुथिबा समय रे बाहर को मध्य बाहरंतु नाही, बुलाबुली करंतु नाही एवं एही समय रे आपण जमा भी सुअंतु नाही। चंद्र ग्रहण लागिबा समय रे आपण गोटिए पाणी थिबा नडिया को धरि बसंतु। एमिति करिबा द्वारा ग्रहण रो केउ भी प्रभाव पड़ी थाए ताहा को एही नडिया शेष करि नै थाए एवं आपणक गर्भ रे थिबा शिशु उपरे जमार भी प्रभाव पड़ी न थाए एवं एही समय रे भगवान को नाम धरंतु किंबा भगवान को जे कोनसी मंत्र जप करंतु जेपरि कि गायत्री मंत्र जप करंतु, महामृत्युंजय मंत्र जप करि परिबे एवं जेबे चंद्र ग्रहण समाप्ति हेबो सेही नडिया को आपण पोखरी रे पकाई दियंतु। ज्योतिष अनुसार एही समय सीमा मध्य रे केतेक कार्य करबा को मध्य बारण करा जाय अछि। तेबे आसंतु जानिबा ग्रहण लागिबा समय रे केउ सब कार्य करबा अनुचित होई थाए जहा द्वारा हमकु बहु असुविधा रे सम्मुखीन हेबा को पड़ी थाए एवं वीडियो शेष रे जानिबा एही ग्रहण रो प्रभाव केउ राशि उपरे सुप्रभाव पकाइबो एवं केउ राशि मानक पई एही ग्रहण अशुभ प्रभाव पकाइबाकु जाउ अछि। त सेति पई ध्यान रो सहित वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तेबे आसंतु सेही कार्य गुडीक विषय रे आलोचना करबा। प्रथम कार्यटी हेउछि चंद्र ग्रहण समय रे खाद्य प्रस्तुत करबा अशुभ माना जाय थाए। एही समय रे प्रस्तुत करितिबा खाद्य ज्योतिषंक मध्य रे अशुभ होइ थाए। एथि पई आपण चंद्र ग्रहण समय रे रोसे कार्य केबे हेले करंतु नाही। द्वितीय कार्य
ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଷେଧ ହୋଇଥାଏ। ज्योतिष अनुसार चंद्रग्रहण समय रंधा होता खाद्य खाइले शरीर उपर कुप्रभाव पकाई थाए तेणु चंद्रग्रहण समय शुखिला खाद्य फलमूल इत्यादि खाई दिंतु किंतु पाक निषेध होगा पूर्व से ही शुखिला खाद्य तुलसी पत्र पकाई रखत। तृतीय कार्यटी हो चंद्र ग्रहण समय कौन शुभ कार्य केवी शुभ कार्य करने आलोचना करूँ नादारा आपण परता हो। चतुर्थ कार्यटी हेउछि चंद्र ग्रहण समय ठाकुर पूजा केबे हेले करंतु नाही। एही समय रे ठाकुर घर संपूर्ण भावे बंद रखंतु एवं चंद्र ग्रहण समय रे कोनोसी वृक्ष को केबे हेले मध्ये स्पर्श करंतु नाही। एहा द्वारा पाप होइथाय। पंचम कार्यटी हेउछि चंद्र ग्रहण समय रे अन्नदान करिबा उत्तम समय माना जाइथाय। एमिति कुहा जाइछि कि चंद्र ग्रहण समय रे अन्नदान करले शरीर रे कोनोसी रोग होइनथाय। चंद्र ग्रहण शेष होगा पर स्नान करिबा एवं पिंधिथिबा वस्त्र को धोइनेबा उचित होइथाय एवं निज घरे एवं ठाकुर घरे गंगा जल सिंचन करि घर इत्यादि को पवित्र करिनेबा उचित जहा द्वारा घरे मंगल होइथाय। षष्ठ कार्यटी हेउछि चंद्र ग्रहण समय रे काहा सहित कथा हुवंतु नाही, काहारी सांगरे कळी झगडा करंतु नाही। सेही समय रे भगवान कर माला जप करंतु। एहा द्वारा ग्रहण रे कुप्रभाव घर उपरे पड़ी नथाय एवं चंद्र ग्रहण समय रे चंद्रक ठारु बाहरुतिबा किरण क्षतिकारक होइथाय। एथिपई चंद्र ग्रहण समय रे आपण समस्त कबाट झरका इत्यादि संपूर्ण भाव रे बंद करि रखंतु जहा द्वारा चंद्रमा क किरण आपणक गृह रे प्रवेश करि पारिबो नाही। सप्तम कार्यटी हेउछि चंद्र ग्रहण समय केबे हेले शारीरिक संबंध रखंतु नाही। एही समय रे नकारात्मक शक्तिर प्रभाव अधिक हेतु विवाहित पुरुष एवं महिला माने शारीरिक संपर्क केबे हेले रखंतु नाही। एहा को ज्योतिष रे अशुभ माना जाइथाय। एहा द्वारा आपणक संपर्क रे फाट सृष्टि होइथाय एवं एहार कुप्रभाव आपणक संतान मानक उपरे पडिथाय। तेबे चंद्र ग्रहण समय रे एही सब कार्य केबे मध्य करंतु नाही। देखिबे आपणक सुनिश्चित मंगल हेबो। एथिसहित ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही ग्रहण कारणरु ग्रह एवं नक्षत्र मानकरे स्थान परिवर्तन हेबाकु जाउछि। ग्रह मानकर परिवर्तन किछि राशि मानक उपरे अशुभ प्रभाव पकाइबो एवं आउ किछि राशि मानक उपरे एही ग्रहणर शुभ प्रभाव पड़िबाकु जाउछि। तेबे राशि चक्रर बार गोटी राशि मध्यरो केवल एही चारि गोटी राशि उपरे शुभ प्रभाव पड़िबाकु जाउछि। एमानक खुशीर समय आसीबाकु जाउछि। आसंतु जानिबा सेही राशि गुड़िक कौन अटंती। मिथुन राशि, कर्कट राशि, बिच्छा राशि, कुंभ राशि। एही चारि कोटी राशि उपरे चंद्र ग्रहणर प्रभाव अत्यंत शुभ रहिबो एवं एही चारि कोटी राशि उपरे सामान्य प्रभाव पड़िबो। तेबे एही राशि माने हेउछंती सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, मीन राशि। एमानक पई एही ग्रहण ना शुभ रहिबो ना अशुभ रहिबो आपण निश्चिंत रहंतु। एवं जो चारि गोटी राशि रहिले सेमानक पई बहुत अशुभ रहुअछि। तेबे सेही राशि माने हेउछंती मेष राशि, वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि। एथिपई ग्रहण समय रे आपण बाहर को बाहरंतु नाही एवं ग्रहण समय रे आपण भगवान को स्मरण करंतु एवं चंद्रमांकर गायत्री मंत्र जप करंतु एवं आपणकर इष्टदेव को प्रार्थना करंतु जेउ भी अशुभ प्रभाव प्राप्त हेउथिबो ताहा खंडन हेबो। तेबे फ्रेंड्स आपणको जदि भिडियोटी भल लागिथाय ताहाले तळे थिबा आम कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय निश्चय लिखंतु।